नौबतपुर बाजार में मंगलवार को अपराधियों द्वारा एक मिठाई के दुकानदार को घुसकर गोली मारने के विरोध में आज तीसरे दिन भी व्यवसायियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। दुकानदारों ने यह ऐलान किया कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती और बाजार में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाता, तब तक नौबतपुर बाजार की सारी दुकानें बंद रहेगी। व्यवसायियों का कहना है कि बाजार में आए दिन अपराधी आते हैं और दुकानदारों से रंगदारी वसूल कर ले जाते हैं, पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुड्डू नामक एक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और बाकियों की तलाश में छापेमारी जारी है। डर बनाए हुए सर, कोई आगे आना नहीं चाहता है सर। अपराधी कितने संख्या में आते हैं? दो चार आते हैं, दुकान पर टैक्स मांगते पेट्रोली दुकानदार दे देता है, कोई बोलता नहीं है, कोई विरोध नहीं करता। पुलिस प्रशासन स्वयं का कायम और अपने अथी में लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन सब प्रकाश विश्व में लगा हुआ है। इस अंतर पुलिस आश्वासन दिया कि हम भरपूर सहयोग करेंगे। हमको पुलिस से शिकायत नहीं है, शिकायत हमको न्यायालय से है। अच्छा, पुलिस से हमको कोई शिकायत नहीं, पुलिस यहाँ से अरेस्ट करके भेजता है, 5 दिन में बाहर होकर चलाता है। हमको पुलिस से कोई शिकायत नहीं, शिकायत हमको न्यायालय से है।